हाय गाइस, तो आज हम आए हैं बंजारा मार्केट सेक्टर 62। ये पूरा पीछे हमारे बंजारा मार्केट है एंड ये जो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये पीछे की तरफ बिग बिल्डिंग, तो ये इसी के जस्ट सामने है और ये अभी चेंज हो गई है। पहले ये दूसरी जगह थी बट अब ये सेक्टर 62 में इस तरफ है। तो अभी हम दिखाते हैं अंदर जाके कि क्या क्या है और लोकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको पिंग कर देंगे। यहाँ से मार्केट स्टार्ट है। आज मैं इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूँगी। सबसे पहले कि ये कि बंजारा मार्केट में एक्चुअल में क्या क्या मिलता है, और सेकेंडली ये कि क्वालिटी कैसी होती है, प्राइसिंग कैसा होता है। तो अब इससे रिलेटेड जो भी है हम आगे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बंजारा मार्केट में जो सामान मिलता है मोस्टली होम डेकोर का मिलता है, तो यहाँ पे आप आके वो सब कुछ देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे वैरायटी मिलती है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आपने जितने भी ये सामान मैंने यहाँ पे देखा है ना, आगे भी जो आप देखोगे, नॉर्मल सी बात है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट है। या आपने ऑनलाइन या किसी न किसी शोरूम में कहीं ना कहीं आपने ये ज़रूर देखा होगा, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो ये है कि आप ऑनलाइन जो परचेज़ करोगे या शोरूम से परचेज़ करोगे और जो यहाँ से आप परचेज़ करोगे, इसके प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस होगा। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे क्वालिटी जैसे जैसे आप लोगे, लाइक काफ़ी फाइन क्वालिटी लोगे, तो नॉर्मल सी बात है उसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा इंक्रीज़ है कंपैरिजन टू एनी अदर प्लेटफॉर्म। क्योंकि यहाँ पे मुझे जितना लगता है, मतलब यहाँ पे 150 से ये सारी रग्स वगैरह की स्टार्टिंग थी, तो यहाँ पे आप जब भी आओगे तो आप देख सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप कुछ को आपको कुछ पसंद आ रहा है और थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा बता रहे हैं, तो यू कैन लाइक डू द बार्गनिंग और थोड़ा बहुत ही कम कर देते हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन है यहाँ पे मुझे जितना लगता है। एंड सेकेंडली, क्वालिटी तो मैंने बता ही दी आपको अच्छी है, और प्राइजेज मैं अपनी स्क्रीन पे टैग्स लगा दूँगी जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या प्राइजिंग रह सकती है और कितने से कितने तक का मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये स्मॉल बैग्स, क्रॉकरी लाइक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको अगर अपने घर में डिज़ाइनर क्रॉकरी रखने का शौक है ना, तो यू कैन कम हियर एंड ये आपके लिए बेस्ट मार्केट है, तो यहाँ आप आ सकते हो। एंड जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पे 150 एंड 50 रुपीज़ में प्लेट्स, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। और ये सारा जो डेकोर का सामान है, ये शायद 150 या 200 रुपीज़ का था, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड इसमें मैं आगे आगे और भी चीज़ें बताती हूँ कि यहाँ पे क्या डिफरेंस और है या क्या नहीं है। यहाँ पे ये वुडन का ये जो सामान है ना, ये आप अपने घर के डेकोर में, इंटीरियर में जो हेल्प करता है आपकी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर थी। और ये एक जो मिरर, ये मंदिर के साइड वाला जो एक मिरर है, तो वो मैंने पूछा था उनसे, वो 5000 उन्होंने मुझे बोला था, बट नॉर्मल सी बात है वो बोलेंगे, अगर मैं बार्गेनिंग करती हूँ उनसे, अगर मुझे परचेज़ करना होता तो वो काफ़ी मान जाते। और जैसे कि आप क्यूट सी देख ही रहे हो, ये दूध वाली बाल्टी एंड ऑल कितनी क्यूट लग रही है। एंड ये अंकल, इस बीच में ना हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी और ये तो मज़ा ही आ जाता है अगर इसे खाते खाते आप कुछ ना कुछ देखो या शॉपिंग करो, तो ये मैंने लिया। ये 50 रुपीज़ का था और टेस्ट वॉज गुड। एंड ये यहाँ पे सारा बड़े बड़ी जो चीज़ें होती है डेकोर की, जो वाटरफॉल वगैरह लोग लेते हैं, तो ये यहाँ पे था। एंड इसकी प्राइसिंग 5000 10000 ऐसे थी, बट नॉ इसे आप बार्गेनिंग करोगे तो काफ़ी बेटर होगा। ये जो हैंड वॉश था ना, ये एंड इसके साथ सोप रखने वाला एंड ब्रशेस, ये टूथब्रशेस वगैरह रखने के लिए, ये 3 का सेट था जो कि 500 का ये दे रहे थे। तो जब मैंने इनको बोला था थोड़ा ठीक लगाओ, तो ये 300 समथिंग में ये रेडी हो गए थे, तो मतलब 100 रुपीज़ ईच। तो यू कैन बाय अगर आपको ऐसा कुछ अपने बाथरूम में चाहिए। एंड क्वालिटी इज़ सो गुड, लिटरली आप आओगे ना यहाँ पे तो आपको खुद से पता चलेगा। एंड जितना मैं दिखा रही हूँ, आई होप कि आपको इससे भी हेल्प मिले कि हाँ एक्चुअली क्वालिटी वॉज गुड।
एंड ये जो चेयर्स थी तो इट इज़ 1000 रुपीज़ की टू थी, 500 ईच। तो यहाँ पे अगर आप ये लोगे तो अच्छा मतलब सही लगा लेंगे ये। एंड ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो आप अपने घर के डेकोर में यूज़ कर सकते हो, ये भी मुझे तो अच्छा लगा। वुडन के थे, एलिफेंट मेजेस एंड ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ये जो साइकिल है ना, ये बड़ी प्यारी थी यार। इसके अंदर आपने जो गमले वगैरह होते हैं, प्लांट्स, ये सारा लगा सकते हो और काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड ये जो वो होते हैं डोरमैट्स वगैरह एंड रग्स, ये भी यहाँ पे थे, काफ़ी लाइट एंड हैवी, सारी क्वालिटीज़ में यहाँ पे अवेलेबल थे। यार ये तो बहुत अमेजिंग था, ये इतना अच्छा लग रहा था ना, ड्रीम कैचर, मतलब जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ये इसका जो प्राइसिंग थी 500 रुपीज़, और ये कम कर लेते अगर मैं इसको लेती तो। बट येस, इस बार जब मैं दोबारा जाऊँगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी इसको। एंड ये आप देख रहे हो यार, सीरियसली सो प्रिटी। इसका प्राइसिंग समथिंग 400 और 500 था आई गेस, सो इतना मुझे याद नहीं है ठीक से। बट आप इस शॉप पे आ सकते हो, शॉप नंबर 43, तो आपको आके पता चल जाएगा क्या प्राइसिंग है और कितना कम ये कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मग्स वगैरह थे, कॉफ़ी मग्स, टी मग्स, तो ये आप देखो एंड इसमें से जो अच्छा लगे वो आप लेने आ सकते हैं। एंड ये वाला, ये केतली सेट बड़ा ही क्यूट सा है। और ये सारी चीज़ें क्रॉकरी, मतलब यहाँ पे ना आप जो होटल में आपको सर्व करते हैं ना लोग खाना, आप ऐसी चीज़ें यहाँ से ले जा सकते हो और आप खुद के घर में ऐसे सर्व करके खा सकते हो। यहाँ पे प्लेट्स वगैरह 100 to 150 ईच में थी, बट अगर आप क्वांटिटी लोगे तो ये कम कर देते हैं। इस शॉप पर कुशन्स, बेडशीट, ब्लैंकेट्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे। एंड ये 500 रुपीज़ का इन्होंने बोला था मुझे कुशन, एंड इसके नीचे काफ़ी एक्सपेंसिव भी था। बट मुझे एक चीज़ आपको यहाँ पे बोलनी है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे यूट्यूबर्स आ चुके हैं और इतनी सारी वीडियोस बना चुके हैं चीप मार्केट बोल बोल के, कि इनके जो प्राइसिंग है ना, लोग इतने ज़्यादा डाउन कर देते हैं कभी कभी कि वो उतने में नहीं दे सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मतलब अच्छी बात है वहाँ पे ऐसे घूमना जाना, बट इतना ज़्यादा चीप बताना, ये आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर देम। क्योंकि प्रॉब्लम इज़ दैट वो अपनी वीडियोस को रोल आउट करने के लिए इतना ज़्यादा कम बताते हैं, एंड बाद में शॉपकीपर्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं नहीं नहीं आपकी वीडियो हमने देखा था यहाँ की मार्केट में, इस वीडियो में इतने का था। तो इसीलिए प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप जब भी वहाँ जाओ तो आप अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पर देखो प्राइजेज़ वगैरह कि क्या है, एंड उन्हीं के अकॉर्डिंगली नेगोशिएट करो। वैसे यार एक डाउट है, ये क्या चीज़ है? अगर किसी को भी पता है कि ये क्या चीज़ है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ दिस। ये जो कैंडल स्टैंड था ना, इट इज़ अराउंड 500, एंड इसके आगे और भी बहुत सारे अच्छे आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे थे। एंड ये जो शेल्फ थी, ये शीशम की बनी हुई थी ऐसा इन्होंने मुझे बताया, और इसका प्राइस आई गेस 10,000 समथिंग था। यहाँ पर फर्नीचर से रिलेटेड भी काफ़ी सारा सामान है, तो आप ये भी आके देख सकते हो अपने बुक शेल्फ वगैरह, एंड काफ़ी सारी चीज़ें और भी जो आपको यहाँ पे मिल सकती है और आपके डेकोर में आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडल स्टैंड्स हैं, तो उनमें से एक ये है, ये आप देख सकते हो, एंड इट लुक्स सो प्रिटी जब इसमें कैंडल रख के और इसे ऐसे लाइट अप करोगे। ये 2500 के टू थे, एंड मुझे सुन के लगा ओ माय गॉड, लेकिन आई थिंक अगर आप इसे नेगोशिएट करोगे तो ये दे देंगे। एंड यहाँ पे ये झूले जो कि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं घर में हो, तो ये भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। एंड ये भैया ये ले जा रहे थे यार, ये मुझे बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा, बट मैं समझना चाहती थी वो इस पर क्या कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्रे, यार ये बड़ा यूनिक सा थोड़ा था, ऐसा लग रहा था पेड़ का, बस थोड़ा सा ऐसे कटिंग करके इन्होंने ये ट्रे निकाल दिए, क्योंकि उसका लुक ही ऐसा है।
एंड यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। वुडन में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी जो आप यहाँ पे आके देख सकते हो और ले सकते हो। एंड ये वाली जो ये स्टूल टाइप ये टेबल था ये 1000 रुपीज़ ईच था, तो ये काफ़ी अच्छा था। इसके ऊपर मार्बल लगा था एंड हैवी भी था। एंड ये जो छोटी छोटी लालटेन्स है ना, ये जो आप अपने घर की बैल्कनीज पे लगा सकते हो कई सारी, तो ये 150 रुपीज़ की ईच थी। लेकिन इन्होंने कहा था जब मैं आगे चली गई थी कि आप थोड़ा सा और लोगी तो मैं कम कर दूँगी, तो अगर आप जाओ और ये दिखे तो आप ले लेना कुछ क्वान्टिटीज़ अगर आपको अपने घर में बैल्कनी में लगाओ। और बाकी तो आप ये देख ही रहे हो। हाई अगेन एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो इसी बीच में फटाफट से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और इस पूरी वीडियो में जो भी आपको अच्छा लग रहा है ना, या जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कॉमेंट्स में बताना। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी मिट्टी और ऐसा होगा, नहीं तो मैं डेफिनेटली मैं शूज़ वियर करके आती, क्योंकि मेरे पूरी स्लीपर्स मिट्टी में हो गई थी। और यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स भी हैं। सीरियसली यार, थोड़ी गर्मी तो है अभी इस वक्त, धूप भी निकल रही है, तो मैंने पिया गन्ने का जूस जिससे मुझे मिली और एनर्जी और ज़्यादा घूमने की और वीडियो बनाने की। तो अभी हम आगे देखते हैं और हमने क्या क्या देखा। ये स्मॉल मिरर पीसेस यार सीरियसली लुक लाइक अ वाव अगेन, बहुत प्यारा था ये। एंड यहाँ पे ये मैंने स्टैचूज़ देखे इतने क्यूट क्यूट से। और ये देख रहे हो आप, जिनको गन्स वगैरह ऐसा डेकोर का शौक होता है ना, तो वो ऐसा कुछ ले सकते हैं। और इट इज़ अराउंड 2000 समथिंग। ओ लिटिल पॉपी। और ये रहा कुछ ग्रीनरी वाला सामान। ग्रीनरी के लिए मेरे को इतना वो नहीं लगा, इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच का इन्होंने 250 रुपीज़ बताया था, जो कि आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ वर्थ इट। क्योंकि 250 रुपीज़ सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी नहीं, जो उन्होंने पकड़ा हुआ है सिर्फ उसका बोल रहे हैं, और वो कह रहे थे कि इसमें बहुत सारे पत्ते हैं, तो ये इतने का ही मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सारी आर्टिफिशियल जो लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, ब्रांचेस लेने के लिए आपको और भी कई मार्केट्स हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये सारी चीज़ें देती हैं, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो ये सारी चीज़ें। बट यस, ये जितना भी स्टैचूज़ वगैरह ना, ये तो आप यहीं से लेना मस्ट बाय। अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो। और अभी हम मिलते हैं आप अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, नमस्ते एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू, इन्जॉय, बाय बाय।